बिसम अल्लाम फ्रेंड्स एंड वी वर् जॉब एम सी क्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबको शामदीद कहता हूँ फ़्रेंड्स ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ है आज ही टाउन ऑफिसर का पेपर है और इसका एक पेपर जो कि मैं कल ही अपलोड कर चुका हूँ इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा ये फुल पेपर है फिफ्टी एम सी क्यूज़ हैं एक घंटे का पेपर है क्वेश्चन नंबर वन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर वन है कि सिनिनम ऑफ अरोगेंट तो अरोगेंट का सीनेम क्या है तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है ऑप्शन ए आता है क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं कि सिनेम ऑफ एम्बेजल तो एम्बेजल का सीनेम क्या है इसमें जो करेक्ट आंसर आता है टू में ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है मिस अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं कि सिनेम ऑफ इनक्रेड्यूलियस तो इनक्रेड्यूलस का सीनेम क्या है अनरियलाइबल है ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं फोर नंबर क्वेश्चन है कि नीनम ऑफ एनेगमा एनेगमा का सीनीम क्या है तो करेक्ट आंसर इसमें जो आता है ये है पजल ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन है कि सैनिनम ऑफ एलिसेट तो एलिसेट का सीनेम क्या है तो ये इम्प्रॉपर इलीगल है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि एंतिनम ऑफ फेरवोलस फेरवोलस का इंतिनम क्या है तो इसमें जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है वाइज इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन नंबर क्वेश्चन है कि इंतिनम ऑफ प्रोडिकल प्रोडिकल का इंतनम क्या है तो इसमें जो करेक्ट आंसर आता है सेवन में ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है त्रिफ्टी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट एट नंबर क्वेश्चन है कि इंतनम ऑफ डिक्सटेरियस डिक्सटेरस का इंतनम क्या है तो इसमें जो करेक्ट आंसर आता है एट में ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है इन एक्सपोर्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन ईडियम है कि हिटिंग द नेल ऑन द हेड तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है परफॉर्मिंग एज अ टॉस्क विद एक्जिस्टनेस तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर टेन को देखते हैं टेन नंबर क्वेश्चन है ईडीएम है, है कि अ बोल्ड फ्राम ब्लू मीन्स तो इसका मतलब क्या है तो टेन में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी आता है सडन न्यूज यानी अचानक खबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अलेवन ये ग्रेन ट्रक यानी ट्रंक जिसे जीटी रोड कहते हैं ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया शीर्षा सूरी ने ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है ग्यारह में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ प्लासी जो है जो कि लड़ी गई थी सतारह सो सतावन में ये किन किन के दरमियान लड़ी गई थी तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है लॉर्ड क्लेव और नवाब सिराजुल्दवा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये उन्नीस सौ पाँच में हुआ था लेकिन एन वर्ल्ड कब हुआ था तो इसमें जो करेक्ट आंसर आता है थर्टीन में ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है उन्नीस सौ ग्यारह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मोहम्मद अली जिना जो है इन्होंने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किया था उन्नीस सौ तेरह को तो ऑप्शन डी में उन्नीस सौ तेरह है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि मेन डिमांड जो था शिमला मुस्लिम डिपोटेशन एक्सेप्टेड इन मिंटो मिनटमोरले रिफॉर्म्स तो ये नाइनटीन जीरो सिक्स में हुई थी तो ये कब हुआ था इसका मेन मकसद क्या था तो फिफ्टीन में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी सेपरेट इलेक्टोरेट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सोलह में करेक्ट आंसर जो है गांधी टॉक वॉर हील्ड इन 1944 एट बम्बई टू डिस्कस तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है 16 में ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है पार्टीशन ऑफ इंडिया इशू इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सतारह नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कनाल्स टेक अप्राम सक्करबेरा सक्करबेरा से कितने केनाल निकले हैं तो ये सात हैं ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, इस है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर एटीन है कि ये एग्रीमेंट जो है कब हुआ था तो ये कौन सा एग्रीमेंट है इसका नाम नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को स्किप कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन उन्नीस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कि डे एंड नाइट जो है जो कि बराबर होता है थ्रू आवर ग्रोव सन इज अबाउ तो ये किस वजह से होता है तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है नाइनटीन में ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है इक्वेटर इसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को देखते हैं बीस नंबर क्वेश्चन है कि द स्पेशीज विच वी बिलोंग टू इज तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है ट्वेंटी में ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है होमोस्पेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है नंबर बायोलॉजिकल डेथ ऑफ पेशेंट मींस डेथ ऑफ ऑफ टिश्यू तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है ट्वेंटी तो तो टू में ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द इमेज फॉर्म ऑन द इज ये जो इमेज बनता है रेटना पे तो ये किस वजह से होता है तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है ट्वेंटी थ्री में ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है रियल एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये होता है कि ऑफ द द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लार्जेस्ट एरिया एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है रशिया है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टी तो ये कौन करता है तो ये यहाँ पर इंडिया है लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो होता है चाइना है तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रोमाइट क्रोमाइट का सबसे ज्यादा कौन uh, सा है तो ट्वेंटी सिक्स में जो करेक्ट आंसर आता है ये है ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन है कि हेलुसिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय द तो ये किस चीज़ की वजह से होता है सत्ताईस में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए है निकोटीन की वजह से ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है कि मेनेगेट्स इज अ डिजीज विच इफेक्ट दी तो ये किस चीज़ को इफेक्ट करता है किस चीज़ को असर अंदाज करता है ये किस चीज़ की बीमारी है तो ट्वेंटी एट में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी ये ब्रेन की बीमारी है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन उनतीस नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सी जो होता है ये इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आता है 29 में ये आता है ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। गैल्बनाइज्ड आयरन शीट्स आर कोट्स विद तो इसमें इसमेंट आयरन शीट जो होता है कोटेड कोटेड विद ये किस चीज़ की वजह से करता है तो इसमें जो करेक्ट आंसर आता है थर्टी में ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट रेडियो एक्टिव तो इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है थर्टी वन में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए आता है जीरो जीरोकोनियम ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थर्टी टू को देखते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वाद एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन था तो करेक्ट आंसर इसमें आता है थर्टी टू में ऑप्शन ए ये एक फिजिस्ट था ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री को देखते हैं कि रेडिएशन uh, जो होता है एक्टिविटी ये मेजर करती है किस चीज की वजह से तो थर्टी थ्री में जो करेक्ट आंसर आता है इसको हम बेक्ल के जरिए मेजर करते हैं ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर ये स्मॉलेस्ट ओशियन जो है दुनिया में ये कौन सा है

नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है कि विच एजेंसी इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू पाकिस्तान एज वन हंड्रेड फोर्टी आउट ऑफ वन हंड्रेड एटी कंट्रीज इन करप्शन पार्टिसिपेंट तो ये कौन सा है इसमें जो करेक्ट आंसर आता है थर्टी सेवन में ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेट ऑप्शन डी

ज प्रिविटाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन कंस्टिट्यूटेड तो नेक्स्ट इसमें जो करेक्ट आंसर आता है फोर्टी टू में ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है नाइनटीन नाइन्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट परसेंटेज ऑफ नेशनल मेडिकल डिमांड्स इज मेट बाई द लोकल फार्मेक्यूटिकल इंडस्ट्री फार्मेकिटिकल इंडस्ट्री तो फोर्टी तो थ्री में जो करेक्ट आंसर आता है ये है ऑप्शन डी एटी परसेंट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है कि व्हाट इज़ द सेक्रेट्रेट ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी नॉन एज तो इसको क्या कहा जाता है फोर्टी फोर में ऑप्शन सी एसपीडी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी कि व्हाट इज द न्यूक्लियर टिपेट क्रू क्रूज मिसाइल ऑफ पाकिस्तान कार्ड तो इसको क्या कहते हैं फोर्टी में तो इसको बाबर कहा जाता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है कि हाउ मेनी सब्सक्राइबर आर ऑफ फेसबुक ग्लोबली कितने हैं तो फोर्टी सिक्स में ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है टू पॉइंट नाइन बिलियन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन है कि व्हाट पॉपुलेशन ऑफ यूक्रेन यूक्रेन की आबादी कितनी है तो इसमें आबादी आई थिंक थर्टी सिक्स पॉइंट एट मिलियन है काइंडली इसको कन्फर्म करें फिर मुझे भी बताएं आपकी मेहरबानी होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेंसी ऑफ तुर्की जो है तुर्की की करेंसी का नाम क्या है फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन है इसका नाम है लेरा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, है मैमर मैमर नायब देव ऑप्शन ए इसमें है. 50 है, इस पेपर का है कि कितने कंट्रीज पार्टिसिपेंट हुए थे इस्लामिक समिट जो कि लाहौर में हुआ हिल्ड हुआ था उन्नीस में तो बाकी ऑप्शन इसके नहीं है तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी स्किप कर लेता हूं वीडियो में लाजमी इसका आंसर दीजिएगा ताकि मैं अपने पेज से भी इसका आंसर शेयर कर सकूँ वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें हमारे चैनल को सपोर्ट करें तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज